मुख्यमंत्री योगी में लोगों को एक नई उम्मीद दिख रही है। यही वजह है कि अपनी फरियाद लेकर लोग बड़ी संख्या में योगी के पास पहुंच रहे हैं। मंगलवार को लखनऊ में 11 साल के मासूम ने योगी से फरियाद की थी। अब उस बच्चे की फरियाद पर एक्शन भी शुरू हो गया। ये तस्वीरें मंगलवार 28 मार्च की हैं, जब सीएम योगी के जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा था 11 साल का हर्ष। लखनऊ से लौटने के बाद वाराणसी में हर्ष ने एसएसपी से मुलाकात की और उसकी फरियाद पर कार्रवाई शुरू हो गई है। हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे, वो बोले कि जांच के लिए तुम्हारे घर पर जांच जाएगा। हम योगी जी से मिल के आए थे तो उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब से मिल लेना। बचपन में ही माँ को खो चुका हर्ष अपनी बुआ के साथ रहता है। हर्ष का आरोप है कि उसके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, जिसकी वजह से 1.5 साल से वो जेल में बंद है। हमारे पापा 1.5 साल से जेल में हैं, हमारी दादी उसी की चिंता में मर गई है और मैं अकेला हूँ, हमारे साथ कोई नहीं है। हर्ष के पिता के साथ जेल में बंद 4 लोगों में से एक शख्स की पत्नी सुनीता को भी अब लग रहा है कि सीएम योगी के आने से उसे न्याय मिलेगा। 1.5 साल से ही हम लोग ये सारी फर्जी मुकदमों की जांच करवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग को हार मानकर वहाँ मुख्यमंत्री जी के पास लखनऊ जाना पड़ा और उनसे बात हुआ तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जाइए एसएसपी साहब के यहाँ मिलिए, आपका काम हो जाएगा। इनके द्वारा बताया गया है प्राइमा फेसी बर्न इंजरीज उसके थी, इसमें एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। इनका ये कहना है कि वो जो जेल गया है वो निर्दोष है, पुलिस इस मैटर में जांच करा लेगी। अगर निर्दोष है पर अगर गलत जेल गया है तो उसके विरुद्ध भी मतलब उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा के भी हम इनकी मदद कर सकते हैं। हर्ष अपनी फरियाद लेकर पिछले कई महीनों से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 16 महीने बाद अब सीएम योगी से मुलाकात के बाद हर्ष और सुनीता के लिए इंसाफ की उम्मीद जगी है।